नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट सुशोक चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे दुबई से रिलेटेड। जी हां साथियों, गलत में दुबई से रिलेटेड बात करेंगे कि वीज़ा की प्राइस कॉस्ट के, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं, सर जी इस वीज़ा का कितना लगेगा, इसका कितना लगेगा। तो मैं एक सिस्टम में इसे बनाया कि कंट्री वाइज कौन सा वीज़ा कितने पैसे में आता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप अपन कुवैत दुबई से रिलेटेड बात करेंगे। पिछले वीडियो अपने कुवैत से रिलेटेड बनाए बनाए थे, अब अपन आज बात करने जा रहे हैं दुबई से रिलेटेड। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। इससे पहले साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर रोज ऐसे टॉपिक पे नए नए वीडियो आते रहते हैं, जिससे आपको घर बैठे सही जानकारी सही मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए साथियों, अपन शुरुआत आज करते हैं। हेडिंग मैंने ये रखा है, दुबई वीजा कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ साथियों, दुबई के वीजा कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे लोगों को दो ही पता है, एक विजिट वीजा, एक कंपनी का वीजा, वर्क परमिट, ठीक है। लेकिन नहीं साथियों, दुबई का वीजा मैंने यहाँ पे पांच प्रकार के आपको बताए। इसका कितना फीस लगता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। तो साथियों, पहले एक वीजा आता है विजिट वीजा में, अपन बात करें तो विजिट वीजा आता है 4 डेज। इमरजेंसी वीजा होता है, जैसे आपको 2 दिन के लिए दुबई जाना है तो ये वीजा आप ले सकते हो। नॉर्मली लैंग्वेज में बात करूंगा, ये वीजा मात्र और मात्र 96 आवर्स का होता है, यानी मात्र 4 दिन का ये वीजा होता है। इसकी कॉस्ट प्राइस होती है मात्र 4,000, लगभग 100-200-400 ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग में मैंने ये पूरी प्राइस आपको बताई है, उसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, कंडीशन के हिसाब से आप ऊपर होता रहता है इसमें, ठीक है। 4 दिन का ये वीजा होता है, मात्र 4,000 रुपये इसका लगता है, ठीक है साथियों। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दूंगा कि एक तो पासपोर्ट, इसकी स्कैन कॉपी, इसमें जो विजिट अपन वीजा ले रहे हैं, पासपोर्ट की कलरफुल स्कैन कॉपी इसमें होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी वाली कॉपी, और पासपोर्ट साइज़ की सुंदर वाली फ़ोटो, पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और इसके साथ में आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ठीक है। अब अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस का कोई कवरिंग लेटर हो, या बिज़नेस का कोई आपके पास प्रूफ हो, ऐसा कुछ कोई डॉक्यूमेंट या बैंक स्टेटमेंट हो वो साथ में लगती है, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा वीज़ा अपन बात करते हैं ओनली फॉर 14 डेज, यानी 14 दिन का एक वीज़ा आता है, 14 दिन का वीज़ा है। मान लीजिए आप 10 दिन के लिए आपको दुबई जाना है घूमने के लिए, तो आप कौन सा वीज़ा लोगे, ये 14 दिन का वीज़ा आता है। इसकी कॉस्ट प्राइस है लगभग 6,000 रुपये, 200-400 ऊपर नीचे हो सकती है, इसका 6,000 रुपये लगेगा। तो साथियों, 14 दिन के बाद में दूसरा तीसरा जो वीज़ा होता है ये है 30 दिन, यानी 13 डेज होता है, 1 महीने के लिए। कई बार लोगों को 1 महीना 20-25 दिन के लिए दुबई वगैरह, जो बिज़नेस से रिलेटेड या घूमने से रिलेटेड या कैसे भी अगर कोई बंदा जाना चाहता है तो 30 दिन का वीज़ा ले सकते हैं। इसका इसका प्राइस सेम है दोनों का, 200-400 ऊपर हो सकता है, बाकी 6,000 के करीब इसका लगता है, 6,000 के करीब इसका लगेगा। लास्ट में जो वीज़ा आता है विजिट टू वर्क, बहुत सारे लोग यहाँ से विजिट में जाके वहाँ वीज़ा लगवाने की सोचते हैं या जाते हैं या कंपनी उनको लेके जाती है, ये वीज़ा होता है 19 डेज, यानी 90 दिन का ये वीज़ा होता है, ठीक है साथियों। इसका लगभग 20,000 रुपये एवरेज मैंने बताया, लगभग 19,000 भी लग सकता है, कई बार 20-22,000 भी लग जाता है, लगभग इस वीज़ा का 20,000 रुपये लगता है। ये वीज़ा लगभग विजिट टू वर्क यानी बिजनेस के पर्पज़ से काम आता है, या फिर आप मान लीजिए 3 महीने में ट्रेवल ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये वीज़ा आप ले सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया ये होता है कि इसके लिए स्ट्रॉन्गली डॉक्यूमेंट आपके होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट मजबूत होनी चाहिए, या फिर आप ट्रैवल 1-2 बार कर चुके हो तो आपके लिए आसानी से वीज़ा मिल जाता है। कोई बिजनेस आपको प्रूफ, इसमें आइडिया वगैरह आईडी वगैरह आपको देनी होती है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराने होते हैं, जिससे ये वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है साथियों। ये जो वीज़ा थे, 4 तरह के वीज़ा ये हैं, विजिट टू वर्क यानी विजिट से संबंधित हैं, घूमने से रिलेटेड हैं। इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है 5 से 7 दिन के बीच ये वीज़ा आपको, ये वीज़ा तो 2-3 दिन में मिल जाता है, ये इस वीज़ा को 5 से 7 दिन में लग जाते हैं, एवरेज 5 से 7 दिन आप इसमें मान सकते हैं। लास्ट के साथ ये तो 2 वीज़ा हैं, इसके इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये वीज़ा 90% लोग ये वीज़ा यूज लेते हैं, क्योंकि ये वर्क परमिट वीज़ा होते हैं, और जो गल्फ में जाते हैं मेरे हिसाब से लगभग लोग जॉब के लिए या रोज़गार के लिए जाते होंगे, घूमने के लिए तो बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बात ही साथ ही बात करेंगे, जो ये 5 नंबर का जो वीज़ा है ये 2 साल का वीज़ा होता है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या वर्क परमिट वीज़ा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये 2 साल का वीज़ा होता है, ये अपने को कहाँ से मिलेगा, ये ऐसे नहीं है कि आपको एजेंसी है तो आपको एजेंट या एजेंसी के द्वारा मिल सकता है, कहीं से भी ले लो। ये वीज़ा ओनली फॉर आपको अप्लाई करना पड़ता है रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा, और कंपनी आपको ये वीज़ा प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इसमें आपको वो वर्क परमिट वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, इसके अलग से मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसके जो चार्जेस बताएं उसी तरह के, इसके चार्जेस हैं 60 से 70 हज़ार, जिसमें एजेंट कमीशन वगैरह सब मैंने एक साथ में आपको बताया, ठीक है साथियों। 1 से 1.5 महीने का इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है, जिसमें इसमें 5 से 7 दिन का होता है, इसमें 1 से 1.5 महीने का 45 डेज वगैरह में ये वीज़ा आपको मिल जाता है।
लास्ट में जो 6 नंबर का वीजा है साथियों, ये वीजा भी 2 साल का ही होता है। इसको ओपन वीजा बोल सकते हो या फिर आजाद वीजा बोल सकते हो, ठीक है। आजाद वीजा भी सेम यही प्रोसेस होता है, इसी तरह से आपको लेना होता है, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आप वीजा ये खरीद ये आपको वीजा खरीदना पड़ता है, ठीक है। इसमें तो कंपनी आपको दे देती है आवेदन करते हो, तो ये वीजा आपको खरीदना पड़ता है। इसके लिए 2 लाख रुपये मिनिमम, कम से कम 1,80,000 या 2 लाख के करीब लगभग लगभग ये खर्चा इसमें आता है साथियों। इसमें भी 1 से 1.5 महीने का प्रोसेसिंग टाइम होता है। ये जो मैंने आपको बताया 5 से 6 वीजा हैं, इसमें कोई भी वीजा आपके जो भी आपकी सुविधा के अनुसार जो वीजा आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इसका मैंने प्राइस बता दिया, लेने का तरीका बता दिया, कितना टाइम का होता है, कैसे होता है, कितना इसका खर्चा आता है, पूरी डिटेल से बता दी मैंने। आगे आने वाले सीरीज में अपन ने वर्क परमिट में सैलरी क्या होती है, कौन सी जॉब में कितना क्या मिलता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप अपन 2-3 वीडियो में आगे बात करेंगे। तो साथियों मैं समझता हूँ मैंने जितनी जानकारी थी आपको दे दी, फिर भी आपको कोई कमेंट आपको कुछ करना हो, कोई बात बात पूछनी हो तो कमेंट कर दे, मैं आपको आंसर दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर रोज नए टॉपिक पर ऐसे वीडियो आते रहते हैं जिससे सही जानकारी सही मोटिवेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।